आज बहुत ही खुशी का मौका है। मैं ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन अपने पूरे साथियों के साथ आज पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का हाथ थमा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि कोई भी पार्टी, क्या हम सोशल एक्टिविस्ट थे, किसी भी पार्टी को कभी भी ज्वाइन ना करते और हम हमेशा ही तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुखालिफिन रहे हैं। लेकिन जब हमने हालात देखे कि जम्मू के अंदर सुबह जम्मू के मुसलमान को और बिलखसूस उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है हमारी कम्युनिटी, बुजुर्ग वर्ग कम्युनिटी, उसको जम्मू के अंदर कम्युनल फोर्सेज की तरफ से किस तरह से उनके अराजी पर कब्जा किया जाता, उनके बच्चों के साथ ज्यादतियाँ की जाती, बच्चों को मारा जाता, जिनके केसेस बना के उनको बुक किया जाता। तो फिर एक वक्त ऐसा आया जब हमने आसिफा का केस देखा, उसमें मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा जो उस वक्त की CM बाहिस्सियत CM थी, उनका जो रोल था, जिस तरह से इन्होंने एक तरफ पूरी कम्युनल फोर्सेस और पूरा मुल्क के सारी कम्युनल फोर्सेस और कुछ रियासत की भी हमारी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, वो भी दबे पांव जो हैं उनकी सपोर्ट में खड़े थे, फिर भी मैडम ने जो स्टैंड लिया, तो उसकी वजह से आज वो जो लोग हैं जेल के अंदर हैं। और फिर उसके बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात हो, जैसे लाल सिंह इन सरकार में BJP की तरफ से एक आदमी था जो जम्मू के मुसलमान का काफ़ी हयात तंग किए हुए था, और उस वक्त मैडम जी ने स्टैंड लेके उनको, उस आदमी को जो है सरकार से निकाला। और आज जम्मू सुबह का तमाम मुसलमान और गुजर बकरवाल कम्युनिटी मैडम जी का बहुत दिल से शुक्रगुजार है, और हमें कम्युनिटी ने ही बिलखसूस तैनात किया है कि हम इस शुक्रगुजारी में, क्योंकि हम गैर सियासी हैं, तो इस शुक्रगुजारी में ये हदिया तन PDP को ज्वाइन किया है। और हमारा जो मैडम ने हमारे लिए काम किया है, हमारा खून का हर एक कतरा हमारी कौम का और हमारा जो है मैडम के लिए और उनकी पार्टी के लिए हाजिर है।